यार गाड़ी तो बड़ी अच्छी चला लेता यार। मैं उसमें कौन सा बड़ी बात है, कौन सा एरोप्लेन है, तू भी चला लेगा? अबे यार मुझे गाड़ियां के भी नहीं आती। अबे यार गाड़ी चूरण वाली बात कर दी ना, गाड़ी के से नहीं स्टार्ट होती, गाड़ी सी से स्टार्ट होती है। भाई ना गाड़ी सी से स्टार्ट होती है, ना गाड़ी के से स्टार्ट होती है, फिर गाड़ी चाबी से स्टार्ट होती है। अबे सुन, जिस हिसाब से तेरी बातें है ना, तू पहले अपनी गाड़ी में जी लिखवा पीछे। भाई एल तो सुना है, जी क्या होता है? ए, जी का मतलब ये, तेरे को गाड़ी का घंटा भी नहीं पता। अच्छा चल छोड़, एक काम कर मुझे गाड़ी का MCBC सिखा। ओह नो, बे वो चूरण आदमी, मेरे सामने तो बोल दिया, किसी और के सामने मत बोल दियो बेटा, बहुत मारेंगे घेर घेर के। ABC होता है वो, MCBC नहीं होता। भाई यार सिखा देने यार, मेरा बहुत मन करता है सिखा दे यार। अब चल ठीक है, रो मत। तेरे को पहले मैं गाड़ी के बारे में कुछ बताता हूँ। गाड़ी होती है तीन तरह की, एक गाड़ी होती है पेट्रोल की, एक होती है डीजल की, और एक होती है CNG। समझा? अब चल गाड़ी के बारे में कुछ जान, बता। बहुत जरूरी चीज ये सीट बेल्ट, ये देख सीट बेल्ट, हाँ लगानी नहीं है। अच्छा। यूपी में इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई नहीं पकड़ेगा, कोई चलान नहीं कटता। दिल्ली में तेरा हाथ अपने आप जाएगा और यहाँ लग जाएगी, चलान बचाने के लिए सिर्फ, ठीक है? अब सबसे जरूरी बात जो तेरे को जिंदगी भर काम आने वाली है, समझा? ये इसको दिल्ली से लाते हुए हमेशा सीट के नीचे रखियो, या फिर सीट के पीछे रखियो, समझा? नहीं तो बॉर्डर पे पकड़ लेते हैं यार वो, एक बॉटल ले लेंगे, फायदा के तरह खर्चा बढ़ जाएगा, चलान थोड़ी काटे यार, इतनी छोटी चीज में, समझ गया ना? चल अब एक काम कर, तू ड्राइविंग सीट पे आ। हाँ चल भाई, चल चल। तो आप सबसे जरूरी है पहले ट्रैफिक लाइट्स के बारे में जानना। हाँ हाँ हाँ, बता बता। तीन टाइप की लाइट्स होती हैं, एक होती है ग्रीन, एक होती है येलो और एक होती है रेड। तीनों का अलग अलग यूज है। तो पहले मैं तुझे बताऊंगा ग्रीन। जब लाइट ग्रीन हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात ग्रीन है, किसी के लिए नहीं रुकना ग्रीन पे, अपने बाप की रोड समझ के चलानी है, चाहे 80 पे हो चाहे 100 पे, निकाल लेनी है, बिल्कुल नहीं रुकना है, समझ गया? अब आई बात पीली, मतलब येल्लो, येल्लो लाइट, इसमें तूने भगा लेनी है। लोग धीरे करेंगे गाड़ी, तूने सोच के धीरे नहीं करनी, तूने भगा लेनी है, निकाल लेनी है। सेम वही बात, अपने बाप की रोड समझ के निकल जाना है, रोड टैक्स भरते हैं हम, अपने बाप की रोड है, समझ गया ना? अब सबसे इम्पोर्टेंट लाइट, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइट है, वो है रेड लाइट, सबसे इम्पोर्टेंट लाइट ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से। इसमें तूने क्या करना है, पहले बत्ती के उधर देखना है, अगर लाइट के उधर पुलिस वाला खड़ा है और जेब में 100 रुपए है तो तुम्हें निकाल लेनी है, और अगर 100 रुपए नहीं है और वो खड़ा है तो धीरे कर लेनी है, और अगर नहीं खड़ा है तो दोनों बत्तियों की तरह येल्लो और ग्रीन की तरह भगा लेनी है अपने बाप के रोड की, समझ के, समझ गया? चलो अब तो फुल ट्रेन हो चुका है, अब तू चला। ढंग से चला। अबे यार तेरा नाम किसी ने सही रखा है, अमन धूपिया चमन। ऐसे मास्टर से सीखोगे ना तो यही हाल होना है, समझे? इसी ढंग के मास्टर से सीखना, जनहित में जा रही है ये, ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। जनहित में जा रही, समझ आ रही नहीं आ रही? अबे तुम क्या आ रही दे? Like this video, share our video, comment this video, सब्सक्राइब भी कर दो यार, बड़े दिन हो गए हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ ही नहीं रहे। जनहित में जा रही, यातायात हमारी जिम्मेदारी, जनहित में जा रही, इस बार निभाएंगे यार, इस बार निभाएंगे भाई।